नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। दंगल में वापसी करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर, रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर हादसा। तो फिलहाल उन्नाव से ये अहम खबर, टक्कर लगने से ऑटो चालक सहित तीन लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल आनंद फानंद में पहुंचाया गया। उन्नाव से अहम खबर, मुरादाबाद भरी मरी कंपनी रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तीन लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में। छह लोग ऑटो में सवार थे। तो भीषण सड़क हादसा और हादसे में ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तीन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो हादसे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई, साथ ही तीन लोगों के इस हादसे में दर्दनाक मौत होना बताया जा रहा है, क्या अपडेट? सोनी जी, ये पूरा मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आज रोडवेज बस जो हरदोई की तरफ से आ रही थी और कस्बा गंजमुरादाबाद के समीप बस ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज जो ऑटो था वो पलट जाता है और पलटने के बाद जो उसमें सवारियां बैठी होती हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 होती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। और जब ऑटो को सही किया जाता है, उसके बाद दो लोगों की मौके पे मौत हो जाती है। शेष को अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ पर एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस तरीके से अगर कहें तो तीन लोगों की इस पूरे घटना में तीन की मौत। बिल्कुल, लेकिन अक्सर ये उन्नाव से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि रोडवेज बसें जिस तरीके से रास्ते में या सड़क में फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं, अक्सर लोग हादसे का शिकार होते हैं, कई वाहन इनके जद में आते हैं। जिस तरीके से ये अनियंत्रित आज की जो घटना है, जिस तरीके से रोडवेज बस है, इसमें कहीं ना कहीं सड़क की भी स्थिति आई है, क्योंकि सिंगल रोड में इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती हैं। इस रोड पे जो उन्नाव हरदोई रोड है, इस पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और आज के समय में जो बड़े वाहन हैं, वो जो फर्राटा भरते हैं और अक्सर जो उनका वाहन चलाने का तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं अनैतिक रहता है। और इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिसको लेकर के आज की भी जो घटना है, वो भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई देखी जा सकती है। क्योंकि आज की जिस तरीके से घटना है, जिसमें रोडवेज अनियंत्रित होती है और अनियंत्रित होने के बाद में कस्बे के पास एक ऑटो को शिकार बना लेती है और ऑटो उसके नीचे आ जाती है, बस के नीचे जिस तरीके से ऑटो आती है, उसमें दो लोगों की मौके पे मौत होती है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो रोडवेज बसें हैं या जो डंपर है या जो ट्रक है, इस तरीके के इस रोड पे अक्सर इस बड़े वाहनों के द्वारा दुर्घटनाएं सामने आती है और इस तरीके की घटनाओं में लोगों की मौतें होती है। लेकिन इस पर कोई भी सुधार न तो पुलिस प्रशासन के स्तर से देखने को मिल रहा है, न ही परिवहन विभाग के स्तर से देखने को मिल रहा है, और घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाती है। और जब कभी इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए पुलिस सक्रिय होती है और कार्रवाई की बात करती है, लेकिन फिर से वही जो ढर्रा है अपना लिया जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज 12 बजे लगभग सूचना मिली कि थाना बांगरमऊ क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव और हरदोई मार्ग पर एक रोडवेज और ऑटो के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर ऑटो में सवार तीन व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और तीन व्यक्ति घायल थे। घायलों को तत्काल CHC भेजा गया उनके इलाज के लिए, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो व्यक्तियों की डेथ हो गई थी, उनका जो है आइडेंटिफिकेशन करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। वापस से देवभूमि के दंगल का रुख करते हैं और आज देवभूमि के दंगल में बात, मुलाकातों का दौर जारी, विपक्ष के सवाल भारी।
उत्तराखंड की डबल इंजन की रफ्तार से विकास हो, इस उद्देश्य के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और प्रदेश के विकास के लिए एक सकारात्मक पहल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री की हुई इस मुलाकात से उत्तराखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं और मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र में गठित नई सरकार के कई मंत्रियों से प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को लेकर जल्द ठोस और सकारात्मक पहल किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सभी से प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर व्यापक स्तर से पहल करने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों की बीजेपी ने जमकर सराहना भी की, जबकि विपक्ष इन मुलाकातों पर सवाल उठा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले आप रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दृश्य दिखाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने पीएम मोदी से राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मानसघर मंदिर माला मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने, प्रदेश में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने, वन भूमि हस्तांतरण को व्यवहारिक बनाए जाने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा राज्य की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, संचार सुविधा को और बेहतर बनाने के साथ ही तमाम अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। भाजपा ने उम्मीद जताई है कि राज्य के विकास में इस मुलाकात से कई लाभ मिलेंगे। प्रदेश के विषय हैं और सेंटर से बहुत अच्छी सहायता हमको रहती है, सहयोग रहता है। अभी नई सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे विषयों को लेकर एक बार नए सिरे से सभी मंत्रियों को मिल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के हित में है। जितना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा केंद्र सरकार से, उतना अधिक लाभ प्रदेश को मिल पाएगा और उसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने काम में लगे हुए। वहीं एक ओर जहां भाजपा मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को काफी सराहनीय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष को इस मुलाकात से कोई खास उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से बार बार केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, उनको राज्य के लिए आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हो, चाहे आपके यातायात के बारे में हो, सड़कों के रखरखाव की बात हो, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री को हर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व इनका बैरंग वापस भेजता है, निराशाजनक स्थिति में वापस भेजता है, खाली हाथ वापस भेजता है। मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रदेश के विकास के लिए कहीं भी जाते हैं तो उसका स्वागत है। वो किसी भी मंत्री से मिलते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं और अगर उससे इस प्रदेश का विकास होता है तो उसका उत्तराखंड क्रांति में स्वागत करता है। लेकिन आप ये बताइए कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है। 2022 में जब पुनः भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जीत के आएगी तो डबल इंजन बोल के आएगी। यदि वो डबल इंजन इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा या सक्षम होने में असमर्थ है तो आप बताइए मुख्यमंत्री के जाने का क्या औचित्य है। कुल मिलाकर एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक मदद दिए जाने के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि राज्य में अब और तेज गति से विकास कार्य होंगे। निश्चित ही मुख्यमंत्री की मांग केंद्र ने मानी तो राज्य का विकास और तेज गति से हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर धामी यानी कि उत्तराखंड के सीएम लगातार केंद्र स्तर पर उन तमाम मंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं और इस मुलाकातों से अब जो उम्मीदें हैं उत्तराखंड वासियों की वो भी बढ़ी हैं और साथ ही कयास और विपक्ष के आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई रिजल्ट क्या मिलेगा।
तो रिजल्ट को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश बिष्ट जी हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उदित घल्याल जी हैं समाजसेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं, आशीष नौटियाल जी से। आशीष नौटियाल जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार जितना मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, तो क्या लगता है अब ये मुलाकात, क्योंकि उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, विकास को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए सोनी मैडम, कुछ भी नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। आज अखबार में आ रखा है कि 21 पावर प्रोजेक्ट लगने हैं, पिछले 10 साल से केंद्र ने लटका रखे हैं। बताएं, डबल इंजन सरकार 10 साल से चल रही है, उसमें जो 21 पावर प्रोजेक्ट लगने हैं जिससे 4000 समथिंग मेगावाट बिजली मिलनी है, उस काम को अटका रखा है। अभी भी राधा रतूड़ी जी ने कल बताया सचिव ने कि दिल्ली जाने गए लोग और वहां जाकर मीटिंग कैंसिल कर दी। तो आप राज्य का क्यों नुकसान कर रहे हैं? आपको जो प्रोजेक्ट पहले ही बिजली नहीं है राज्य के पास, आपके अगर डबल इंजन सरकार है तो टीरी बांध का फैसला कर लो, टीरी बांध की सारी बिजली तो आप बाहर देते रहे हैं, उसका फैसला कर लो, परिसंपत्तियों का फैसला कर लो, कुछ तो करो। लगे तो सही डबल इंजन से कोई फायदा हो रहा है। सिर्फ डबल इंजन का एक ही फायदा कि उत्तराखंड के अंदर आप वीआईपी कल्चर बनाते हैं कि बाहर से कोई भी आ रहा है उसके लिए वीआईपी कल्चर, उसे वो दर्शन भी करेगा, उसकी गाड़ियां आना जाना सब आराम हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तो कुछ तरीका नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी का काम सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और धरातल पर कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर देख लीजिए, करोड़ों रुपए का इन्होंने जो है खर्चा कर दिया, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ दिखा रहे हैं और इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कुछ कर रहे हैं। चलिए, इस बात का जवाब राजेश बिष्ट जी से लेंगे, इसके बाद पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। राजेश बिष्ट जी, क्या लगता है, क्योंकि मुलाकात को जो है विपक्ष कह रहा है कि ये महज एक दिखावा है। सोनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सशक्त और मजबूत सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी भी होती है कि 125 करोड़ हमारे उत्तराखंडियों की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो नया केंद्रीय मंत्रिमंडल इस समय हमारे देश को मिला है, उन सबका स्वागत भी करें, उनको जाके उनका सम्मान भी करें और मुलाकात करें। ये हमारी तरफ से एक शिष्टाचार भेंट बड़ी जरूरी होती है कि जब आप केंद्र में नए मंत्रिमंडल से मिलते हैं तो एक प्रदेश की रिप्रेजेंटेशन वहां जानी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं योजनाओं की, परियोजनाओं की, जो इस प्रदेश को मिली या नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक काम करने का तरीका रहा है, वो हमेशा समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करती है, न कि विपक्ष की तरह समस्या में समाधान ढूंढती है। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई समाधान हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष के लोगों का एक अपना तरीका है काम करने का, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि जो समाधान राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार मिलकर निकालने की कोशिश करे उसमें समस्या निकालो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री जी से और लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करी, शिष्टाचार भेंट के साथ साथ जो उन्होंने बातें रखी इस प्रदेश के लिए, जो परेशानियां हो रही है इस प्रदेश को, अगर उसको रख के वहां से कोई समाधान निकाल रहे हैं तो इसमें हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने स्वागत भी करना चाहिए। और ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का अपना तैयार किया हुआ, कोशिशें तो इससे पहले भी की गई है राजेश बिष्ट जी, कोशिशें इससे पहले भी, मुलाकातें होती रही, आर्थिक तौर पर और डिमांड की जाती रही है कि कैसे और विकसित किया जाए उत्तराखंड को, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि भाई खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, केंद्र के पिटारे से आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जो डिमांड रखी गई है या जो मांग, जो ज़रूरत दर्शाई गई है, कितनी ज़रूरत पूरी होती है, क्योंकि धरातल पर दिखना चाहिए। आपको बता देता हूँ, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति एक विशेष लगाव है, उस प्रकार से हमने जब देखा कि हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना, तब तो बिन मांगे चीजें पूरी हो जानी चाहिए।
अपने में, यही आपको कह रहा हूँ ना कि जिस प्रकार से जो तमाम परियोजनाएं एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रदेश को सौगात के रूप में समय समय पे मिलती हैं, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। यही कारण है कि लोग विश्वास करके अगर तीसरी बार पांचों सीटों को लोकसभा भेज रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, तो वो सिर्फ हमारे कहने पे या किसी तरह की बातों पे नहीं भेज रहे, वो इसीलिए भेज रहे कि उन्हें पता है कि प्रदेश के अंदर अगर कोई काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और निश्चित रूप से जो यहाँ से बातें लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, उसका जरूर कोई ना कोई सकारात्मक निष्कर्ष मिलेगा। और 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों को इसका बहुत जल्दी जगह जगह पे जो अलग अलग विभाग के तौर पर हैं, अलग अलग जो योजनाएं हैं, उन सबका विस्तार होगा। ठीक है, विस्तार कितना होगा, धरातल पर कितनी योजनाएं काम करेंगी, किस तरीके से करेंगी, कब से काम की शुरुआत होगी और केंद्र के पिटारे से उत्तराखंड के लिए क्या कुछ दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि आज एक खबर सामने आई जहां पर यूकेडी के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन करने को मजबूर हैं, उत्तराखंड की कई जरूरतों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही ये जो मुलाकात है सीएम धामी की, इस मुलाकात को आप कैसे उत्तराखंड के विकास से जोड़कर देख रहे हैं? देखो, हमारा राज्य 42 आगस्तों की बात मिला हुआ राज्य है, और इस राज्य में जिस तरह से 24 सालों में राज्य को विकास की दिशा दी गई है, वो उससे लोग संतुष्ट नहीं है। और आज जो मुख्यमंत्री या जो सरकार हमारे पास दे रखी है मोदी जी ने, वो एक अनुभवहीन लोगों की बड़ी टीम है, और वे उनका ये बचकाना एक्शन है जिसके माध्यम से ये भूली भाली अनपढ़ जनता जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनको पता नहीं है, उनको मूर्ख बनाने का एक शानदार प्रयास, और उस प्रयास में लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी माहिर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसको मालूम है कि जो विकास का कोई भी रास्ता अगर तलाशा जाता है तो कार्यपालिका की कलम से तलाशा जाता है, फाइल से तलाशा जाता है। मुझे याद है कि एक समय में यहाँ पे जब ये अपने हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली जाते थे, बोलते थे कि मेरे झोली खाली है, ये भाजपा का नेता है, कुछ नहीं डाला। लेकिन उसी समय कांग्रेस का मुख्यमंत्री हिमाचल का जाता था और वो फाइल लेके जाता था, डीपीआर लेके जाता और उसकी फाइलों में काम होकर वो लाता था। तो इस समय अगर हमारे मुख्यमंत्री को सचमुच कहीं कुछ करना चाहिए था तो तमाम प्रोजेक्ट की डीपीआर, अब एक आसान नहीं है कि तुम हजारों काम को एक बार बता के आ जाओ, फलाने को वलाने को। एक्चुअल में देखा जाए कि जब से ये नए सांसद बने हैं त्रिवेंद्र रावत जी और पौड़ी के सांसद बने हुए हैं बलूनी जी, तब से इस मुख्यमंत्री की खुर्ची डामाडोल हो रही है, उसको मजबूती देने के लिए ये पेड़ नौटंकी की गई है, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े और इनको भी मालूम पड़े, विरोधी जो उसके पास उसकी खुरपूस को उलटना चाहते हैं, उनको खुर्ची से बाहर करना चाहते हैं, उनको भी एहसास हो जाए कि देखिए इनकी कितनी बड़ी ताकत है कि ये तमाम ऐसे जुंटा से मिल रहे हैं जो सबसे बड़े ताकतवर जुंटा केंद्र में बैठा हुआ है। तो ये विकास का कुछ नहीं, अगर हकीकत अगर विकास का चाहिए था तो ये बोलते कि माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य जो भी थे कि साहब 24 साल हो गए इस अभागे राज्य की स्थायी राजधानी नहीं मिली है, इसको स्थायी राज्य। ठीक है, लेकिन थपलियाल जी ये भी सोचना होगा कि अगर इन ये तमाम वजह जो आप बता रहे हैं या जो भी क्योंकि आप जब भी बैठते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये इन चीजों का जिक्र करते हैं, इसके बावजूद भी सत्ता में बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का विश्वास क्यों? यही मैं बोल रहा हूँ, शानदार नाटक से अब हम कैसे लोगों को समझाएं कि क्योंकि आजकल इनको पता लग गया है कि पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी, लोगों की जो स्मरण शक्ति है बहुत छोटी हो गई है, वो इतनी जल्दी भूल रहे हैं, वो अंकिता हत्याकांड को भूल जा रहे हैं, वो रवि गोली कांड को भूल जा रहे हैं, वे तमाम ये भूल जा रहे हैं कि इस राज्य में जो ऑल वेदर रोड के नाम पे प्रधानमंत्री बोल के गए थे कि यहाँ का युवा, यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी काम आएगा, हमें तो 10 साल में यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी आज तरस नजर आ रहा है, पानी के लिए प्यासा उत्तराखंड आज त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहा है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बहुत धाकड़ है और धाकड़ मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर आ रहा है
ये केवल अब कैसे इतनी बड़ी संख्या को हम समझा सकते हैं, वो संख्या जो ये भूल गए कि इस चुनाव में जब संसद का चुनाव हुआ था 6 करोड़ की शराब माफिया ने सतपुली के अंदर पहुंचा दी, वो भी भूल गए लोग। लोग ये भी भूल गए कि यहाँ पे गृह मंत्री आया था, राजनाथ सिंह साहब आए थे और बोले कि तुम सांसद नहीं मंत्री चुन रहे हो। अरे अब तुम्हारा वादा कहाँ गया, वो तो सांसद का सांसद रह गया जिसको तुमने बोला था कि तुम सांसद नहीं मंत्री चुन रहे हो। तो ये सब चीजें लोग भूलते जा रहे हैं और यही जो है इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इनका ये फायदा कोई और पार्टी क्यों नहीं उठा पा रही है, उसमें आप भी आते हैं कि उसका कारण ये है कि आज सच्चाई से जो कोई भी चाहे चैनल चले, चाहे कोई अखबार चले, चाहे कोई व्यक्ति चले, कोई संस्था चले, उसका कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये फूटों की सत्ता हो गई है, जो मूर्ख बनाने वालों की सत्ता हो गई, मदारियों की सत्ता में किस तरह से हम दिखेंगे ये बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से तमाम विपक्ष के दलों को एकजुट होना पड़ रहा है कि किस तरह से ऐसे लोगों को जो बिल्कुल तमाशों की राजनीति में विश्वास करते हैं, जो अरबों खरबों रुपया केवल बदनाम करने में लगा रहे हैं, अपोजिशन को बदनाम करने में, जो संसद के अंदर विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दे रहे हैं, देखिए आप कैसे जीतोगे। ये सवाल जो आपने पूछा था, ये सवाल विभीषण ने राम को पूछा था कि हे राम तुम इस तत्व की रावण से कैसे जीतोगे। वही हाल आज हो गया इस देश की लोगों में, हमें बड़ा कठिन हो गया कि किस तरह से इस रावणी राजनीति नहीं, एक ठोस रणनीति तो बनानी होगी ना। अगर विपक्ष मुद्दों को लेकर भी तभी आता है सामने जब चुनाव होते हैं, चुनाव के वक्त वो मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं, फिर इसके बाद शांत हो जाते हैं, तो एक रणनीति तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व तय होना चाहिए कि किस तरीके से रूपरेखा जो है तैयार करके जनता के बीच में जाना है। अब उपचुनाव है तो उपचुनाव को लेकर विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, भाई उससे पहले ये मुद्दे कहाँ गुम हो जाते हैं, आप लोग कहाँ चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है ना कि एक ठोस रणनीति हो। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, उदित घिल्डियाल जी का रुख करेंगे। उदित जी, क्या माना जाए इस मुलाकात से उत्तराखंड का विकास कुछ हो पाएगा, क्या लगता है केंद्र के पिटारे से कुछ निकलकर सामने आएगा? सोनी जी देखिए, बिना केंद्र के मदद के इस राज्य में आप बहुत बड़े कार्य नहीं कर सकते, ये सबको मालूम है। और यही नहीं, हर राज्य को, पंजाब को चाहिए, हर किसी को चाहिए, बिहार को चाहिए, आप राज्य लीजिए, सबको केंद्र से मदद चाहिए और केंद्र ही मदद दे रहा है। हमारे यहाँ जितने भी बड़े कार्य चल रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे टनल हो, चाहे कोई हो, चाहे जंगलात का मैटर हो, वो सारा का सारा केंद्र पे जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और केंद्र से हमें कुछ ना कुछ राहत मिल रही है या हम लोगों को कुछ मिल रहा तो अच्छी बात है। मैं पीछे चलना चाहता हूँ, 2003-04 में एनडी तिवारी जी थे, इतने बड़ा सिटगुल बने, क्या वो केंद्र की मदद के बिना बने? नहीं, उसमें केंद्र की ही भूमिका थी। जो पैकेज दिया, जो इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, यह चलता रहता है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उत्तराखंड राज्य के हित के लिए सभी को मिलकर एक साथ एक भूमिका, अपनी पॉजिटिव भूमिका निभानी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये सब योजनाएं तो आ रही है, जैसे थपलियाल जी ने कहा कि हमारे बच्चों को उससे क्या मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि स्किल नहीं है बच्चों पे, वो स्किल भी, जो स्किल का जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो भी भारत सरकार से ही आएंगे, आपकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी भारत सरकार ही चेंज करेगी, यहाँ के स्किल के जो टीचर्स हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, जो विषय हैं वो भी अनाप शनाप विषय है, उनका आज की रेट में रेलवे या हाईवे या अन्य चीजों से मतलब नहीं है। स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर भी जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी तो भ्रष्टाचार है उदित जी। भ्रष्टाचार तो अब उसके लिए तो नकेल कसनी पड़ेगी, वो तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा। युवा है, कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का सहयोग है पूरा, उनकी दृष्टि हम गाँव में वो राज्य नहीं संभाल पा रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं वो अन्न की ओर से आ जाता है कि साहब ये नहीं करेंगे आप, बाघ में आप ऐसा करेंगे, बाघ नहीं मरेगा, आदमखोर को मारने के लिए ये नियम चाहिए, वो सब शीतलताएं चाहिए। दूसरा
बड़ा महत्वपूर्ण है परिसंपत्तियां, अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया। हम खामखा की बातें करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। राज्य है अलग हो गए, हिमाचल पंजाब सब अलग हुए, हरियाणा सबका हिस्सा बढ़ गया। हमारे यहाँ आज भी हरिद्वार आप चले जाइए वही की वही स्थिति है। एक गांव पड़ता है किमसार का इलाका पड़ता है, वो 10-12 हजार की आबादी है, आज तक सड़क हमारी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, जैसे थपलियाल जी ने कहा कि फाइलें लेके जाना चाहिए और तत्काल कराना चाहिए। केंद्र पैसा देने को तैयार है और बिना केंद्र के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते उत्तराखंड। बिल्कुल, केंद्र की मदद की जरूरत होगी ही होगी, लेकिन वो मदद जिस पैमाने में डिमांड की जाती है या मांगी जाती है, जिस तरीके से अभी 3 टनल परियोजनाओं का जिक्र, 20 जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र किया गया, लेकिन अब केंद्र से कितनी मदद की जा सकती है और क्या उस मदद का पूरा पूरा यूज किया जाता है, उसे धरातल पर उस तरीके से उस योजना को उतारा जाता है, क्योंकि योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरीके से वो धरातल पर उतारे और किस तरीके से ये जिम्मेदारी निहित करे जिम्मेदारों को, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। और फिलहाल क्योंकि सवाल लगातार इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि उत्तराखंड की बेसिक जो जरूरत है उसको भी राज्य सरकार को समझना होगा, क्या राज्य सरकार ये समझने के लिए सक्षम है? राजेश जी, बिल्कुल सोनी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सक्षम हमारे प्रदेश की सरकार, और जैसे अभी समाज सेवी भाई घिल्डियाल जी ने बताया, युवा मुख्यमंत्री होने के नाते वो इन सब चीजों के लिए बहुत ही सजग हैं और प्रदेश में आने वाली योजनाओं के लिए बहुत संवेदनशील भी हैं। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक यहाँ के जिम्मेदार नागरिक की तरह, उस प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो निरंतर प्रयास ये कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश को जिस भी तरह की सौगात मिल पाए, चाहे हमारे सड़कों के जाल की आप बात कर लीजिए, जगह जगह पे सुरंगों की बात आप कर लीजिए, और रोप वे की बात कर लीजिए, तीर्थाटन की बात कर लीजिए, मानस खंड को बनाने की बात कर लीजिए, तमाम एयरपोर्ट्स को बनाने की बात आप कर लीजिए, संचार सुविधाओं को ठीक करने की आप बात कर लीजिए, बिजली योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कर लीजिए। तो जितना मैं उनका इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में जो निरंतर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो अकल्पनीय है। उसके बाद भी अगर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कोई योजनाएं आती तो उसमें हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए, और बकायदा मेरा ये मानना है कि किसी तरह के अगर हमारे विपक्ष के साथियों के पास जिस भी तरह की, हमेशा मैं देखता हूं कि वो एक समस्याओं का एक पिटारा लेकर बैठे होते हैं, आज ये समस्या आज वो समस्या, तो समस्याओं को लेकर एकदम समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए और एक शिष्टमंडल जाए और वहां पे अपनी लिस्ट रखे कि साहब ये सब योजना, आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। देखिए ये तो आपस में तालमेल और सामंजस्य बना के बैठा, विपक्ष से सुझाव मांगने भी चाहिए ना, विपक्ष से जब तक सुझाव मांगे नहीं जाएंगे तो विपक्ष देगा कैसे सुझाव। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो रुक करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये अकल्पनीय जो प्रयास है सीएम धामी का, ये किस दिशा में जाएगा और उत्तराखंड की दशा को बदलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर धामी की सजगता और इसी को लेकर ये मुलाकात, और मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड वासियों को बेहद उम्मीद है कि यहाँ पर जो एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी को और बेहतर, इस पर क्या कुछ काम होगा। टनल को लेकर जो परियोजनाओं को, 3 टनल की परियोजनाओं को लेकर जो मांग रखी गई सीएम धामी की तरफ से, साथ ही जिस तरीके से 20 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अब हरी झंडी कब मिलेगी, कब से इसमें शुरुआत होगी, आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी, ये तमाम अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम राजेश जी से लेंगे। राजेश जी, क्योंकि उत्तराखंड को आर्थिक मदद की कितनी ज़रूरत है उसको समझते हुए अगर देखा जाए तो क्या लगता है केंद्र से इन जो डिमांड की गई है सीएम धामी की तरफ से, इसको लेकर हरी झंडी मिलने की उम्मीद है?
बिल्कुल निश्चित रूप से बड़े सकारात्मक रूप से हमारे प्रदेश के, मैंने जिस प्रकार से शुरू में भी आपको बताया कि 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों से हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है और इस प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने समय समय पे सौगात देने का काम किया है, चाहे वो नेशनल हाईवे के रूप में दिया हो, हमारे को यहाँ पे बिजली फिर आशीष नौटियाल जी क्यों जिक्र कर रहे थे कि भाई 10 साल से 21 पावर जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटके हुए हैं, अगर सजगता थी तो इस पर भी गौर फरमाइए। नहीं, निश्चित रूप से आज ही मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि जिन परियोजनाओं की बात हमारे आशीष भाई कर रहे हैं उन पे भी बड़े विस्तार से उनके द्वारा बात की गई है और मनोहर लाल खट्टर जी के सामने उन्होंने ये बात रखी गई है। देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए मैं समझ के चलता हूँ, जब एक देश को एक केंद्र देख रहा होता है तो 27 राज्यों के साथ साथ 8 या 9 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है पूरे देश को देखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के पास होती है और जिस हिसाब से समय समय पे बजट, इसीलिए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ताकि वो राज्य की चीजों को बेहतर बना सके, अपनी बेहतर भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभा सके, क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते। इसी चीज के तो साक्ष्य हैं सामने की, लगातार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में बैठे हैं और निरंतर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस आशय से मिल रहे हैं कि हमारे प्रदेश को कहीं ना कहीं ये जो चीजें रुकी हुई हैं, चाहे परिसंपत्तियों की बात हम कर रहे थे, हम विद्युत परियोजनाओं की बात कर रहे थे, रुके हुए कार्यों की बात कर रहे थे, किसी तरह का बजट इस प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, उन सबके बारे में वो बड़े निर्भीक होकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात हर पटल पर रख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द जो रुके हुए हमारे काम है इस कार्य कालखंड में, इस आने वाले समय में आप सबको करते हुए दिखेंगे और सारे काम बड़े जिम्मेदारी के साथ होंगे इस प्रदेश के लिए। चलिए, आशीष नौटियाल जी, राजेश जी के इस विश्वास पर और सीएम धामी के अकल्पनीय प्रयास पर कितना भरोसा है विपक्ष को? देखिए टोनी जी, मैं अभी जो जिन प्रोजेक्ट की आपसे बात कर रहा था उसके लिए मीटिंग के लिए यहाँ से जा चुके थे हमारे लोग, सचिव लोग, और वो मीटिंग अचानक कैंसिल हो जाती है, जाना नए खर्चे भी उत्तराखंड के से डाल। तो ये 10 साल हो गया है, अगर प्रधानमंत्री जी के और भी कई काम है, क्या 10 साल कोई प्रोजेक्ट को अटकना चाहिए? आप इससे जो 2123 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी आपने राज्य का कितना नुकसान करा दिया। अगर वो प्रोजेक्ट लगते, पावर प्लांट लगते तो रोजगार भी मिलता और काम भी होते, बिजली मिलती, सब कुछ होता ना, तो आप ये तो एक खबर छप गई। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो बिजली नहीं पा रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है राज्य का कि सिर्फ दिखावे पे ध्यान। अच्छा, आज की डेट पे उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे मलिन बस्ती का मुद्दा बड़ा छा रखा है, कुछ 250-300-400 मकान है, कोई ज्यादा भी नहीं है, इतने ही मकान है बेचारे जो परेशान है, और हमने एक की हत्या कर दी, बीजेपी सरकार ने एक महिला की वह हत्या कर दी, सीधा सीधा वो हत्या है उस महिला की। आज आप पूजा लेके पहुंचते हैं और उसको हार्ट अटैक आता है और मर जाती है, तो ये हत्या है, ये भाजपा सरकार द्वारा हत्या की गई है। आप बताएं, 4 करोड़ मकान की बात करते हैं, हमने 4 करोड़ मकान बना दिए, 3 करोड़ और बन रहे हैं, मुखिया प्रधानमंत्री से 500 मकान मांग लाते कि हमारे राज्य में लोग मर रहे हैं, हम मार रहे हैं, मर भी नहीं रहे, हम मार रहे हैं, तो उन्होंने मकान नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक हर किसी को अपना मकान मिलेगा, अपना छत मिलेगा, आप तोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं, मुखिया विदेश से आ रखे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित, मुझे लगता है सबसे जरूरी काम ये भी है कि आप जिनके मकान तोड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ राहत देने का काम करते। 500 मकान ले आते, ज्यादा मत लाते, 3 करोड़ तो बाद में लाते रहना आप, तो आप इतना भी काम नहीं कर पाए। आप जो चक्कर काट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो इसलिए काट रहे हैं कि 2.5-3 साल हो गया है इन्होंने राज्य मंत्री नहीं बनाए, अब ये चाहते हैं कि कुछ लेन देन हो, राज्य मंत्री बने और राज्य का पैसे का बंटाधार फिर किया जाए। अब राज्य मंत्री अत्यंत आवश्यक नजर आएगा, राज्य मंत्री चाहिए, बहुत नुकसान हो गया, तो नुकसान किया किसने? अगर राज्य मंत्री की आवश्यकता है तो टाइम पे बना देने चाहिए थे, काम होता, राज्य के हितों में काम होता, लोगों की समस्याएं सुनते, पर नहीं, चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो आपको राज्य मंत्री के तौर पे अपने कार्यकर्ता तैयार करने हैं, सरकारी बजट पर आप अपने कार्यकर्ता तैयार करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को किसी ने रोका है क्या आशीष नौटियाल जी? विपक्ष को किसी ने रोका है? आप भी अपनी तैयारी करिए। राज्य मंत्री कहाँ बनाए, वो तो पैसों में राज्य मंत्री बना रहे, वो तो सरकारी पैसों में राज्य मंत्री बनाएंगे, गाड़ी मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, सब व्यवस्थाएं मिलेगी, और प्रचार भारतीय जनता पार्टी का करेगी। आते हैं राजेश, तो सड़क नहीं है, सड़क की मांग को लेकर लोग हड़ताल पर बैठ गए उत्तराखंड के अंदर कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये हमारे सामने का उदाहरण, हम सबने देखा है, डिबेटें भी हुई, आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, पानी के लिए हाहाकार मचा है, पानी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, पानी के लिए भी लोग गाँव तरफ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है, रात रात को लोग उठे, पानी नहीं मिल पा रहा है, अब बरसात आ गई, अब पानी ऐसा मिलेगा कि लोग बहना शुरू कर देंगे, ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है। आप देखें जितनी नालियां हैं सब जाम हो रही, चौक हो रखी है, उनमें ड्रेनिंग सिस्टम नहीं, तो सरकार हालांकि निर्देशित तो किया गया है जिम्मेदारों को,
क्योंकि मॉनसून को देखते हुए दिशा निर्देशित कर दिया गया है। इस खबर को मैंने भी पढ़ा, में फर्क निर्देशित कर दिया, हो गया, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है, बातें बोल देंगे, हम तो बोलते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, हमारी हम क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार देखिए, अगर इसका खुल उदाहरण है भ्रष्टाचार का, अखबारों में रोज आता है कि भ्रष्टाचारी को पकड़ा, यानी भ्रष्टाचार कर रहा था तो पकड़ा, जीरो टॉलरेंस कहाँ है उसने, पता नहीं उसी दिन पहला दिन पहला भ्रष्टाचार थोड़ी रहा होगा, उस दिन का पता नहीं कितने भ्रष्टाचार कर दिए होंगे, रोज भ्रष्टाचारों की लहर लगी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं राजेश बिष्ट जी भी कई घोटालों का जिक्र करना शुरू कर देंगे। आशीष जी, जो आपके कार्यकाल के दौरान हुए, ऐसा नहीं है कि आप साफ सुथरी छवि के हैं, आपके भी कार्यकाल में कितने घोटाले हुए जग जाहिर है। कार्रवाई घोटाले पर कार्रवाई, ये कौन सी पार्टी का है, घोटाले बाज को अंदर होना चाहिए, पर उस तरह नहीं जैसे आजकल इन्होंने हेमंत सोरेन को किया, उनका भी आ रखा हेमंत सोरेन का, ईडी के पास साक्ष्य ही नहीं है गिरफ्तार करने के, तो ईडी गिरफ्तार करने बैठी, बदले की भावना से गिरफ्तारी, क्या दुर्भाग्य है देश का। एक अघोषित आपातकाल है ये, घोषित नहीं है, अघोषित, ये आपने बताया नहीं लेकिन है ये कि अगर आप बोलोगे तो आप अंदर जाओगे। सोरेन को आपने चुनाव के टाइम पर अंदर कर दिया, अब अरविंद केजरीवाल अंदर है, उनका देखते हैं। आपातकाल वाली स्थिति इंदिरा गांधी के भी कार्यकाल में हुई थी, उसको लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्लाकर आपातकाल का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को मान रही है, तो इसको भी देखना होगा। राजेश बिष्ट जी, इस बात का जवाब है क्या आपके पास? बिल्कुल, सारी बातों का जवाब है। आशीष भाई ने जितनी बातों का जिक्र करा, सबसे पहले तो इनको बहुत ज्यादा अनुभव है क्योंकि इनकी पार्टी में राज्य मंत्री पैसे के लेन देन से बनते हैं या आपके मीडिया के चैनल से पूरे देश को बता रहे हैं। और 2014-15 में जो स्टिंग इनकी पार्टी के सर्वोच्च पद पे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में पूरे देश ने देखा, आज भी CBI की तरफ से बेल पर वो इस प्रदेश के अंदर स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, इस देश के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो अनुभवी लोग हैं वो आपको खुलेआम साक्ष्य दे रहे हैं कि लेन देन के बगैर, खरीदारी नहीं के बगैर राज्य मंत्री नहीं बनते। और 2002 से 2007 का कालखंड, पहली चुनी हुई सरकार का, इस पूरे देश ने देखा, जहां लाल बत्तियां ऐसे बट रही थी जैसे रेवड़ियां बटती हैं। दूसरा, 2004 से 14 का कार्यकाल जो केंद्रीय सरकार का रहा, उसमें कांग्रेस के द्वारा जिन परियोजनाओं पे आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वो परियोजनाएं उन 10 सालों के कांग्रेस शासन के कार्यकाल में इतनी आसान थी तो क्यों नहीं हो गई थी, जो हम पे सवाल करने का काम करें, आरोप लगाना। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, चर्चा में वापसी करेंगे। इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा अब अपने बयान को लेकर नाक रगड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को लेकर बयान दिया था और जिसकी कहीं ना कहीं जिस बयान को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी, और अब इसी बयान को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी से दंडवत प्रणाम किया है। प्रदीप मिश्रा ने व्यास पीठ से भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। अचानक बरसाना के मंदिर पहुंचे प्रदीप मिश्रा और दंडवत प्रणाम कर माफी मांगी है। तो ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से आया हूं, 5 मिनट तक बरसाना में रहे पंडित प्रदीप मिश्रा। तो ये आप तस्वीरें देखिए, राधा रानी को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर अब दंडवत प्रणाम करते हुए बरसाने पहुंचे हैं और माफी मांगी है। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। ने अपने बयान में कहा कि राधा रानी जी से क्षमा चाहता हूं, जो भी मेरे शब्दों के प्रति अगर उनको ठेस पहुंची उन्होंने दंडवत प्रणाम कर माफी मांगी है। और अपने इस बयान में भी जिक्र किया कि मैं अपने शब्दों के लिए, अपने बयान के लिए, अपने कहे हुए शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने दंडवत प्रणाम किया।
और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आप। के समय तो देखता हूं, उससे पहले अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं और उनकी तैयारियों के बारे में क्वेश्चन पेपर आदि चीजें दी जाती है। लेकिन अगर वर्ष भर के कार्यक्रम को लेकर के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नीट की तैयारी के लिए आईआईटी जेई के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड की तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से परीक्षाओं को और जो भविष्य है छात्र छात्राओं का उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके इस दिशा में वो अपना कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, चर्चा इस बात को लेकर कि उत्तराखंड का विकास कैसे संभव होगा जब उत्तराखंड की जरूरत को समझा जाएगा। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता। पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे, देखा जाए तो सरकार की प्राथमिकता में क्या है सबसे पहले अगर देखा जाए, इस लिहाज से क्या लगता है उत्तराखंड का विकास होगा क्योंकि लंबा एक अरसा बीत चुका है और जिस तरीके से अब विकास की बात जोर शोर से उठाई जा रही है, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम लैंड है उत्तराखंड और इसके लिए मांग की जा रही है बार बार, तो दिल्ली की जो उत्तराखंड से दिल्ली तक की दौड़ है ये सार्थक होती हुई नजर आएगी, उम्मीद नजर आ रही है। देखो जो ये फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही प्यार करते हैं उत्तराखंड से, ये सबसे बड़ी गुरुत्वता वाली बात है क्योंकि प्रधानमंत्री हर राज्य में जाके यही बोलते हैं कि मैं इस राज्य से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी आदतों में शुमार है। और अगर ये उत्तराखंड को सच में प्यार करते हैं तो जब वो केदारखंड में और बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ को बद्रीशपुरी, केदारनाथ को केदारपुरी बनाने पे तुले हुए हैं, उच्च हिमालय में इतना बड़ा निर्माण करने पे तुले हुए हैं, तो क्या उनको ये नहीं मालूम कि इस राज्य की मुख्य डिमांड, जिन शहीदों की मुख्य डिमांड है ट्रेन राजधानी, स्थायी राजधानी का था, वो आज क्यों पूरा क्यों राजधानी के ऊपर झुके? एक राज्य बिना स्थायी राजधानी का चलता रहेगा? नंबर वन। नंबर टू, जो हालत स्वास्थ्य की है पहाड़ों में, किस तरह से एक बिटिया देवप्रयाग में इसलिए जल गई कि वो जली हुई बिटिया ने प्राण तो दे दिए क्योंकि वहां से देहरादून लाना, बाकी पहाड़ों में पूरी तौर से स्वास्थ्य सेवाएं ऊंचे बल गिर चुकी है, पहाड़ों में शिक्षा ऊंचे बल पे गिर गया है, वहां पे जो जंगली जानवरों का आतंक है उससे लोग भाग रहे हैं गांव छोड़ छोड़ के, और 5 किलो राशन में पलरा मेरा पहाड़ आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये पूंजीपतियों के लिए काम करने पे तुला हुआ है कि साहब फलानी जगह एयरपोर्ट बनाना है, अलानी जगह एयरपोर्ट बनाना है, वो हमने यहाँ से चौड़ी रोड और एक्सप्रेस वे बना दिया और वो एक्सप्रेस वे बना जिसमें मेरे बच्चे नहीं जा सकते। आज पहाड़ का बच्चा जो मेरे भाई गांव में है वो देहरादून आना बंद हो गया क्योंकि जो किराया है वो 5 गुना बढ़ गया है। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे रहे जो इस बार चुनाव के दौरान भी खूब जोर शोर से उठाए गए विपक्ष के द्वारा। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, वापसी करेंगे, सीधे रुक करते हैं, मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, जीवन के बारे में हर व्यक्ति जानता है, हम जिसको मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में मृत्यु हमें दिखाई देता है लेकिन वो नया जीवन भी है। हम जिसको असफलता कहते हैं ईमान के चलिए कि किसी बड़ी सफलता का वो मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। और उसी में हमें रास्ता निकालना है। हर व्यक्ति चाहता तो है, हर अभिभावक की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए कि मेरा बच्चा योग्य बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा मानना है कि इन सबसे बढ़कर के किसी भी अभिभावक की धारणा होनी चाहिए कि उसका पुत्र एक अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान अपने बारे में,
अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीख जाए। और मुझे लगता है जिस दिन वह बखूबी अपने कर्तव्यों के बारे में जान जाएगा, उस दिन उसके लिए कोई पद और कोई प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखेगी, वह सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचा होगा। और मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी और हर युवा को इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमें भारत को 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत बनाना है, तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। और वह तभी हो पाएगा जब अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक होता क्या है कि हम अपनी स्वयं की संपत्ति को तो अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन जो ये राष्ट्रीय संपत्ति है, क्या ये किसी सरकार ने अपने जेब से दे रखा है क्या? कुछ भी हो सकता है, वो सड़क हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सामुदायिक केंद्र हो सकता है, सरकार ने उसका निर्माण किया है या किसी चैरिटी संस्था ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी निवेशक ने पैसा लगाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि 2047 तक का जो विकसित भारत का संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना, वो कैसे साकार होगा इस विषय में वो एक अच्छा नागरिक बनना बेहद जरूरी होता है, इस ओर प्रयास करना चाहिए, इस बात का जिक्र किया। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। बात अधूरी रह गई थी पीसी थपलियाल जी, आपकी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में क्या है? प्राथमिकता में प्रचार है, प्रवचन है। जिस तरह से नेता अगर इसी तरह से प्रवचन देने लग जाए विश्व में, तो वो देश एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता इन प्रवचनों के माध्यम से। आज जो जरूरत है, हम आंदोलन किया, हमने बोला ताली पुल बनना चाहिए, जो चिंताली अभी भी आप लोग आंदोलन ही कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी को इतना मजबूत क्यों नहीं बना पाए? आंदोलन ही करते रहेंगे। मजबूत कैसे बनाए? हम माफियों के साथ हाथ मिला ही सकते, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन माफिया परस्त राजनीति को हम कतई स्वीकारेंगे। ये तो उन्होंने राज्य फेंक दिया है। इतने संपन्न राज्य आज गुजरात से लेकर कटोरा लेकर केंद्र के पास बैठा हुआ है। हमारी झिटकारो, हमें हम किस क्यों बिठा रखे हैं ये लोग? ये पत्थर लेकर हम क्यों ढो रहे हैं? ये किसलिए पर्यटन मंत्री बिठा रखा है जब वो भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकता? ये क्यों वन मंत्री बिठा रखा है जब वो वन आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता? ये जब शिक्षा मंत्री क्यों बैठाया तो शिक्षा का तुमने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। ये तो तमाम ऐसे लोग बिठा दिए हैं जो बिना बात के राजा बनकर हमारे को नोच रहे हैं, की तरह ये केंद्र में जाकर उन राजाओं से भीख मांगने जा रहे हैं इस राज्य में, जो हिमालय राज्य अपने आप में सक्षम है, जिसके रेत बजरी और जो आती है पहाड़ों से बहकर सोना है सोना, और उसके लिए यहाँ माफिया किस तरह से लड़ रहा है, किस तरह से जंगल काट रहा है, किस तरह से हमारा पानी आज पूरा का पूरा दिल्ली पी रहा है। यूपी में, यूपी से हमने आज दिन तक अपने टीहरी डैम का संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाया। अगर ये मुख्यमंत्री हमें टीहरी डैम का संवैधानिक अधिकार, क्योंकि जल जमीन जंगल पे राज्य का संवैधानिक अधिकार होता है, उस अधिकार को ले ले, तो हम इस मुख्यमंत्री के पांव धो के पिएंगे। राजनीति और पार्टी जाए भाड़ में, हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य को आगे बढ़ाए। तमाशा वाले लोगों से हम चिढ़ते हैं। इन्होंने चिंताली पुल का निर्माण नहीं किया, चिंताली पुल और आज वो रामनगर से यात्रा ले जाने की बात कर रहा है। आप ये देखते किस तरह से बेवकूफ बनाकर, किस तरह से धोखे में रखकर पूरा मतलब वो हिस्ट्री, बड़ी हिम्मत है कि गढ़वाल में जो बद्री केदार चार धाम है उनकी यात्रा वो रामनगर से नैनीताल होते हुए गैट ले जाना चाहता है, जो धर्म के विरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? ये राज्य हिती है किस तरह से? और तमाशा दिखा रहे कि हम फलाने मंत्री के पास फलाने केंद्र में जा रहे हैं, तो दुख होता है।
बिल्कुल ऐसे राजनीति से दुख होता है, लेकिन सत्ता में जब आसीन जनता करती है तो कुछ ना कुछ उस जनता को कैसे लुभाया जाए, ये तो विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों को भी बखूबी आना चाहिए, सीख जाना चाहिए कोसने की बजाय, क्योंकि कोसने से मुझे लगता है समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा। थपलियाल जी, अंग्रेज भी आए थे यहाँ और इसी तरह से उन्होंने पूरे भारत में कब्जा कर दिया था। इस समय गुजरात टीम एक रणनीति के तहत भारत के पूरे संसाधनों में कब्जा करना चाहती है, इसको कोई भी निकाल नहीं सकता। इसके लिए अंग्रेजों को भगाने के लिए 100 साल लगे थे, को अभी आपने देखा कि किस तरह से योगी कह रहे कि 2047 तक कोई जिंदा रहेगा क्या? कैसे तुम्हारा 2047 आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए ये भविष्य भविष्यवादी सोच है थपलियाल जी। भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रहे। उदित घिल्डियाल जी का रुख कर लेते हैं, बिल्कुल उदित घिल्डियाल जी का रुख करेंगे। उदित जी, क्योंकि थपलियाल जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही या उनका जो गुस्सा रहा, क्योंकि आंदोलन में कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और एक क्षेत्रीय मजबूत पार्टी होने के नाते उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है और आज भी कई अहम मसलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है यूकेडी की तरफ से, लेकिन क्या प्रदर्शन से समस्याओं का समाधान आज निकलकर सामने आएगा? उत्तराखंड की प्राथमिकता और सरकार किस अहम बिंदु को प्राथमिकता में रखती है, ये भी महत्वपूर्ण है। सोनी जी, देखिए थपलियाल जी का जो व्यक्तिगत उनका एक लगाव रहा है और उनका जो उन्होंने अपना पूरा समय दिया उत्तराखंड के लिए, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं और उनके बिल्कुल जो भावनाएं हैं वो आप अगर पहाड़ पे चलेंगे तो वहीं आपको आम जनमानस में यही रोष मिलेगा। बिल्कुल, जल जमीन जंगल में राजनीतिक जो एक सियासत शुरू हो गई है, शायद यही वजह है कि आज ये स्थिति है उत्तराखंड की। थोड़ी देर पहले कहा कि अभी थपलियाल जी के उसमें ही आपने कहा था कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए कि इसकी क्या समस्या का समाधान कैसे है। बिल्कुल, देखिए केंद्र की बहुत बड़ी योजना आ रही है। उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये 250 किलोमीटर की रेंज में है राष्ट्रीय राजधानी से, दिल्ली से 250 किलोमीटर की रेंज में है। बाकी सारे हिमाचल 350 किलोमीटर पड़ता है, बाकी और कोई है नहीं, तो हमें इसका भरपूर फायदा मिलना चाहिए। अब जैसे एक्सप्रेसवे आ रहा है देहरादून का, बहुत अच्छा है 2.5 घंटे में, लेकिन देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, ऋषिकेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, हरिद्वार का बुरा है। इस सब के लिए आपको सहयोग जो चाहिए वो केंद्र सरकार से चाहिए। केंद्र सरकार आपको देगी भी पैसा, ऐसा नहीं है नहीं दे रही है, कई चीजों में दे रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं, कई चीजें हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। यानी मुख्यमंत्री जी का अब जो कार्य है, उनको दो कार्य करने हैं, एक तो वो भारत सरकार से फंड्स लेके आए और दूसरा जो है यहां पर नकेल कसे बिल्कुल अधिकारियों। देखिए जब तक भ्रष्टाचार, देखिए अधिकारियों को दंडित करना पड़ेगा, मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, चलता रहेगा, आपको उन्हें दंडित करना पड़ेगा, कई अधिकारियों को पदमुक्त करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा है, जो भी केंद्र से पैसा आ रहा है, जिन परियोजना में आ रहा है, उन परियोजनाओं में उत्तराखंड के युवक कैसे जुड़े, कैसे लगे, कैसे उनकी सहभागिता हो उसके अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम मिस कर रहे हैं पिछले 24 साल में। आप मानिए जब तिवारी जी लाए थे इंडस्ट्री, हमें था कि बहुत युवा लगेंगे, लेकिन आज भी 60% से ऊपर ज्यादा युवा वहां नहीं है पहाड़ के। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई ITI कोई भी स्किल इस टाइप की नहीं है। वो प्राथमिकता होनी चाहिए, रेलवे आ रहा, NH आ रहा, उस सब में हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं का योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं की भूमिका भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शायद इसीलिए कई ऐसी योजनाएं भी चलाई गई हैं जो स्किल डेवलपमेंट में अहम भागीदारी निभाएं, लेकिन जब ऐसी योजनाओं का बंदरबांट होता है तो
जमीनी तस्वीर बदल जाती है, यानी कि और उसमें सभी की संलिप्तता बराबर की होती है। चाहे फॉर एग्जांपल कौशल विकास योजना का अगर जिक्र किया जाए, 131 करोड़ के घोटाले की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर कल के न्यूज ने डिबेट भी की इस चर्चा को लेकर विस्तार से। और ये घोटाला क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है और इसके बावजूद भी घोटाले की तस्वीर सामने आती है, तो इससे उत्तराखंड का विकास कैसे संभव होगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के विकास के साथ साथ अब ये भी देखना होगा धामी सरकार को कि उन जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कैसे कसी जाए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। आप जिसको जिम्मेदारी देते हैं कि धरातल में ये काम इस तरीके से होना चाहिए और उसी में धांधली की तस्वीर नजर आती है मिलीभगत से। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कन्नौज से हम खबर। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया, मेरिट में स्थान पाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया है। मंत्री असीम अरुण ने ई टैप प्रोत्साहन धनराशि भी दी है। 35 बच्चों ने 10वीं और 12वीं में मेरिट में स्थान पाया और इसीलिए सम्मानित किया गया, सम्मान से नवाजा गया। तो जल्द अब अभ्युदय कंबोजिट विद्यालय की शुरुआत होगी, तो मंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान उन तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, टैबलेट दिया गया, साथ ही राशि दी गई। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है, यानी कि टर्मिनल 3 के वेटिंग एरिया में जो बारिश का पानी है वो पहुंच चुका है और अभी ये पहली बारिश है, मॉनसून की पहली बारिश ने ही उन व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अरबों की लागत से बनकर ये एयरपोर्ट तैयार हुआ और पहली बारिश ने ही ये बता दिया कि किस तरीके की गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है। तो अरबों की लागत से बना ये एयरपोर्ट और किस तरीके की गुणवत्ता का यहां पर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, व्यवस्थाएं की गई, उन तमाम व्यवस्थाओं की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और मॉनसून की ये पहली बारिश है, जब पहली ही बारिश में ये पानी अंदर तक पहुंच गया, तो वेटिंग एरिया में पानी पहुंचा जहां पर तमाम जो ट्रैवलर्स हैं वो वेटिंग करते हैं, वेट करते हैं और इंतजार करते हैं। और ऐसे में अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।